अपने गार्डन में हाजिर हैं। और देखें कुछ कुछ फ्रूट्स हमारे चल रहे हैं माशाल्लाह। देखें जिन पे ग्रीन नेट है उनके फ़वाद चेक करें आप, उनकी वेजिटेबल भी बन रही हैं। अच्छा, गर्मियों से बचाव के मैं 5 टिप्स आपको दूंगी। पहले भी मैंने 5 टिप्स बताई थी, लेकिन अभी जो है जून की गर्मी में पौधों को कैसे बचाएं, आप देख सकते हैं जून की गर्मी में भी मेरे पौधे माशाल्लाह फिर भी बेहतर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये इनकी टहनियाँ बढ़ रही हैं इस तरीके से। ये किस वजह से चल रहे हैं? ये इस वजह से चल रहे हैं कि ये इनके ऊपर ग्रीन नेट है। सबसे पहले तो ग्रीन नेट लगाएं। नंबर दो, मैं आजकल इनके साथ क्या करती हूँ, पाइप लेकर उससे पूरे तमाम पौधों में अच्छे से छिड़काव करती हूँ। पाइप लेकर छिड़काव करने से क्या होता है कि इनको बहुत सुकून मिलता है। जैसा कि हम गर्मी में परेशान होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है पानी ज़्यादा पीते हैं, बेतहाशा वाटरिंग करते हैं, नहाते हैं, इस तरह के काम हम लोग करते हैं, तो ज़ाहिर है गर्मी से बचाव के लिए करते हैं। ये देखें ये एक ख़राब हो गया, वैसे तो ये निकल भी सकता है। ये देखें ये पूरा पेड़ ख़राब हो गया है। ये जीनिया प्लांट था और इनमें से कुछ सीड गिर के ये देखें ये इस तरह लग गया। अच्छा जी, मैं 5 टिप्स आपको दे रही थी कि गर्मियों से किस तरह अपने पौधों को बचाया जाए। एक तो इनको बिल्कुल भी जो है खुश्क ना होने दिया जाए, जैसे कि ये इस तरफ ये, लेकिन ये स्नेक प्लांट है, ये खुश्क रह सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। और जैसा कि ये है, ये दिन का राजा, इसमें ये फ्रूटिंग हो गई है, बेकार है ये, हमें इसको, ये अब सीड बनाने लग गया है तो मैं इसे कट कर दूंगी। वैसे मैं अभी इसकी कटिंग भी कर सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऊँचा ना हो। और ये देखें फ्रूट इनके कितने खूबसूरत हैं। आप जब भी मेरी वीडियो देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये देखें ये मेरे चिली प्लांट हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर इनको थोड़ा सा, इन पौधों का साया है जिसकी वजह से चिली प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर धूप जाइए, धूप मिलेगी इन्हें ज़्यादा, तो ये फ्रूटिंग सही से नहीं करेंगे इस वक्त। तो मैंने इसीलिए इनको यहाँ पर रखा है कि यहाँ से इन्हें थोड़ा साया भी मिलता रहे। और फ्लावरिंग आप इन पर देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हो रही है माशाल्लाह, आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं। और वैसे भी फूल मेरे गार्डन में, मुझे फूल भी पसंद है तो मैं लगाती रहती हूँ। और ये देखें ये मोतिया के फूल जो मैं तोड़ लेती हूँ, ये देखें ये एक, ये इसमें से फूल तोड़ने से इनको दोबारा बहुत अच्छा होता है इसके लिए कि इन्हें और फूल मिलते हैं। और मैं नीचे ले जाके कप में डाल के रख लेती हूँ और फिर सारा दिन आते जाते इन्हें मैं इनकी खुशबू सूंघती रहती हूँ। ये 1 साल पुराना पौधा है मेरा जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये अभी मैंने नया नया पौधा लगाया, इसमें भी ये देख रहे हैं आप, कल ही इसके खैर फूल बड़े मोटे मोटे से थे। एक ये है, ये बहुत अच्छा चल नहीं रहा। मैं जब भी मोतिया का पौधा देखती हूँ बस मेरा दिल चाहता है मैं ख़रीद लूँ। अच्छा इस तरफ दिखाऊँगी तो आज मैं ये जो है, ये देखें निक्के निक्के से गमलों में ये लगे हुए। अब इनके अंदर जब ये मोटा तना हो रहा है इनके अंदर, फिर फ्लावर भी बड़ा सारा मोटा सा निकलेगा इसके अंदर। मैं इसको जो है ट्रांसफ़र करने लगी हूँ गमलों में, कम से कम ये गमले सही हैं इनके लिए। आज ये मैं इन्हें लाजमन इनके ट्रांसफ़र करूँगी ताकि जो है ये चलते रहें। अभी मोतिया की खुशबू तो सूंघ लूँ मैं, बस मुझे यही बेहतर। 4 टिप्स तो मैंने आपको बता दिए। एक तो सबसे पहले ये ग्रीन नेट इस तरह की बड़ी सारी पूरे गार्डन पे ये देखें हमने लगाई है, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन नेट लगाएं। दूसरी चीज़ है कि ये जैसे तुरई वाले पौधे, इनको धूप ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, इसलिए ये देख सकते हैं आप ये काफ़ी ग्रीन है। और इनमें एक तिड़ंगी बड़ंगी सी तुरई भी बन रही है, फूल भी बेतहाशा आ रहे हैं इनके अंदर। और इस तरफ दिखाऊँ, मैंने काफ़ी बड़ी छत के ऊपर जो है ये पूरा गार्डन तैयार किया हुआ है। अच्छा मिर्च के पौधे कुछ यहाँ भी हैं, अब देखें आज मिर्च के पौधों को कुछ पानी की थोड़ी कमी हो गई थी, ये थोड़े से लटके हुए नज़र आ रहे हैं, मैं इनको अभी पानी भी दे देती हूँ। और इस तरफ के जो मिर्च के पौधे हैं ये भी काफ़ी बेहतर चल रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम गर्मी की वजह से फ्रूटिंग ज़रा कम हो रही है। देखें ये लोबिया के ये नए नए पत्ते निकल रहे हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसी तरह इसमें मैं आपको दिखाऊँ, पत्तों के साथ साथ ये फूल भी निकल रहे हैं। देखें जब ये फूल निकलते हैं पता नहीं कोई कीड़ा आता है क्या है, वो काट के चला जाता है, पर कई जगह पे छोटी छोटी फलियां हमें मिलती हैं। और ये लौकी में देखें निक्का सा फूल आ गया है,
और ये चिड़िया हमारी ऐसे ही बैठी रहती है। और इसी तरह तूरी, कहीं ना कहीं तूरियां मुझे नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। इस बार बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा ये हमारे गार्डन में, ये देख सकते हैं आप, तूरियां ही तूरियां हैं। और ये इधर पता नहीं ये गिरगिट है कि ये छुपकली है, ये देखें अंदर ये चली गई। गिरगिट टाइप लगती है, कभी गिरगिट लगती है कभी छुपकली लगती है। और फ्रूटिंग वाले आपको मैं दिखाती जाऊँ, ये देखें ये तुरैयाँ फ्रूटिंग वाली आ रही हैं। ये इस तरफ भी तुरई की बेलें माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें।